हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जो बच्चे पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और जिनके इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, आपके एग्ज़ाम जून 22 से स्टार्ट होंगे। नया एकेडमिक कैलेंडर के जो आया है अभी, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है आपके जो एग्ज़ाम है वो 22 जून से लेकर 27 जुलाई तक होंगे, यानी कि पूरा एक महीने से ऊपर आपके जो एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं। डेट शीट जल्द ही साइट पर अवेलेबल होगी। नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 1 तारीख से, यानी कि 1 जून से आपके जो एडमिशन हैं अगले सेशन के, वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए भी जो नोटिफिकेशन है वो साइट पर आप देख सकते हैं। आपके जो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट होती है आपकी, चाहे वो UGCET हो, PGCET हो, आपके सारे के सारे एंट्रेंस टेस्ट की डेट भी दे दी गई है। आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी आ गया है। आपके जो एग्ज़ाम हैं उसकी डेट भी आ चुकी है 22 से 27 जुलाई तक। जल्द ही आपके जो एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी साइट पर अवेलेबल होंगे, किस मोड में आपके एग्ज़ाम होंगे, कितनी आपको छूट दी जाएगी अब की बार, सेमेस्टर शॉर्ट का क्या असर पड़ेगा एग्ज़ाम के ऊपर, जो सेमेस्टर आपका शॉर्ट रहा है क्या उससे आपके जो एग्ज़ाम हैं वो प्रभावित होंगे, क्या आपको ज़्यादा कंसेशन दी जाएगी अब की बार एग्ज़ाम्स के में, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों को कंसेशन दी गई है। हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं सभी साथी पंजाब विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन कंट्रोलर से कि जल्द से जल्द कोई बच्चों के हकों में फैसला लिया जाए और बच्चों को भारी छूट दी जाए अपने एग्ज़ाम के दौरान, ताकि बच्चे पैनिक ना हों। अब की बार सेमेस्टर काफ़ी शॉर्ट है और बच्चों को तैयारी करने का जो समय है वो नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लीकेशन भी दी है कि बच्चों का सिलेबस कम किया जाए। देखिए, सिलेबस मोस्टली बच्चों का कंप्लीट होने वाला है 10 या 15 दिन के अंदर, तो अभी सिलेबस कम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम के अंदर बच्चों को कंसेशन दे। बाकी आप एकेडमिक कैलेंडर अपनी साइट पर जाकर दे सकते हैं, PU.AC.IN की साइट पर जाकर। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, मेक श्योर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।